मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? आज जिस मेहमान से आपको मैं मिलवाने जा रहा हूँ राइजिंग पाकिस्तान में, उनका प्रोफेशन ऐसा है कि वो प्रोफेशन जान के, उनकी गुफ्तगु सुन के ही पहले तो ऊपर का सांस ऊपर और नीचे के नीचे रह जाएगा, और फिर आपको जो एनर्जी बूस्टर मिलेगा कि अगर आपके कोई ड्रीम्स हो, आपका कोई पैशन हो, तो फिर आप, मतलब क्या कहना चाहिए कि क्या मिसाल दूं मैं कि माउंट एवरेस्ट भी आप सर कर ले। वाकई वाकई सबीना बेग आ रही हैं आज राइजिंग पाकिस्तान में। माउंट एवरेस्ट उन्होंने सर की, और वाहिद पाकिस्तानी खवातीन और हजरात मिला के कि जिन्होंने 7 बर्रे आजमों की हाईएस्ट पीक्स को सर किया 8 महीने के दौरानिए के अंदर अंदर, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, हमारी पहचान है, हमारा फख्र है सबीना बेग। एंड आई एम थैंकफुल टू my colleague and my friend Sabine, के जिनको कल ही के प्रोग्राम के अंदर मैंने असाइनमेंट दी थी, जब हमने गुड न्यूज में समीना का जिक्र किया और मैंने असाइनमेंट दी, मैंने कभी समीना बेग को आना चाहिए हमारे ऑरेंज सोफे पे, देयर शी इज टुडे कमिंग। आज उनसे हम पूरी कहानी सुनेंगे कि शमशाल वैली में पैदा होने वाली ये बच्ची जो कहती है कि मेरे पहले दोस्त जिंदगी के पहाड़ थे, उन पहाड़ों से दोस्ती इसकी कैसी रही, पिछले 10-12 साल में ये सफ़र कैसे गुजरा, और वो जो ड्रीम समीना बेग का था कि मैंने माउंट एवरेस्ट सर करनी है, फाइनली वो ड्रीम पूरा हुआ। आज राइजिंग पाकिस्तान में आपकी समीना से मुलाकात करवाऊंगा। और जनाब, क्या है आज के राइजिंग पाकिस्तान के? आज के राइजिंग पाकिस्तान में आएंगी माहम, माहम जमाल, जो कि कोर्ट कचहरियों की मालिक मालिक नहीं माहिर है, कोर्ट कोर्ट कचहरियों की माहिर है। कोर्ट कचहरियों का मालिक कौन होता है? कोर्ट कचहरियों का मालिक होता है इंसाफ, कोर्ट कचहरियों का मालिक होता है जस्टिस, ताकि हर गरीब अमीर बड़े छोटे गोरे काले बुजुर्ग जवान बच्चे मर्द औरत सबको इंसाफ मिल सके। तो कोर्ट कचहरियों का असल मालिक तो इंसाफ होता है। हाँ, माहम उसकी माहिर है। और आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर माहम बात करने जा रही हैं साथियों, और वो है कि जो हमारे डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, हमारे घरों में काम करने वाली खवातीन हजरात जो होते हैं, उनके क्या राइट्स हैं, हमारा पाकिस्तान का कानून उस हवाले से क्या कहता है, क्या उनके हकूक हैं जिनको हम नज़रअंदाज करें या उसके ऊपर कोई चोट आए तो कोर्ट कचहरी किस तरह से उनके लिए खड़ी हो सकती है, उनको इंसाफ मिल सकता है। बहुत ही दिलचस्प भी और बहुत ही अहम मौजू है जो आज माहम आपके लिए लेकर आ रही हैं। इसके अलावा क्या जी, इसके अलावा रिबेका होंगी, 3 अच्छी अच्छी खबरें होंगी, गुड न्यूज हमारा सेगमेंट होगा। आज एक और काम भी बड़ा जरूरी हमने करना है, और वो ये कि आपको 2 बुक्स रेकमेंड करनी है, एक उर्दू अदब से और एक बैनुल अक़वामी अदब से। आज मैं उर्दू अदब की वो किताब आपके लिए रिकमेंडेशन के तौर पर वो नावल लेके आया हूँ जो मेरा जिंदगी का पहला नावल था जो मैंने पढ़ा। ये कौन सा नावल था जो तौसीक भाई ने पढ़ा था, आज मैं वो एज अ रिकमेंडेशन आपके लिए लेकर आया हूँ, उसमें भी बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स ट्रेनर काशिफ होंगे और हम आपको जिम फिट भी कराएंगे। आज अजवद का जो टॉपिक है वो बड़ा ही दिलचस्प है। अजवद कहता है, तौसीक अंकल आज मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनते हैं, जैसे समीना बेग ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया माउंट एवरेस्ट को सर करके, आज जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के ऐसा मैं एक बुके आपके लिए लेके आ रहा हूँ, एक ऐसा गुलदस्ता लेके आ रहा हूँ जो बहुत स्ट्रेंज है, बहुत अनोखे हैं, बहुत अछूते हैं, ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि अच्छा ये भी कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड फैक्ट्स का सेगमेंट सजा के ला रहे हैं अजवद, जिनकी रिसर्च मुझे बड़ी पसंद है। बच्चा इतना डिटेल में काम करके आता है ना, लुत्फ आ जाता है। तो ये सब आज का राइजिंग पाकिस्तान जो मैं और मेरी टीम आपके लिए सजा के लाए हैं। चल के लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और एक इस ब्रेक के बाद मैं और अजवद कुछ आपके सामने अनफोल्ड करेंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे क्लास फेलो और मेरे दोस्त अजवद, और लेके आए हैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के फैक्ट्स। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आइडिया कैसे आया अजवद के अनोखे अछूते वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पे रिसर्च की जाए? तो सीख अंकल, ऐसे ही जैसे जो लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते हैं उनको आइडियाज आते हैं। ओह यस यस, उनको कैसे आते होंगे वैसे? यही तो सोचने की बात है। नाश्ता करते करते मैं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता हूं कि मैं ये
हमारे स्टूडियो के की ग्रिड के ऊपर जाली के अंदर जितनी जितने जितनी तारे लगी हुई है मैं तारे गिनूंगा। ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो सकता है जी वाकई। लेकिन पहले इसके लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी कि ये पहले कभी किसी ने किया हुआ या नहीं किया हुआ। ओके ये इतना जरूरी काम है कि मेरा ख्याल है किसी ने नहीं किया होगा जी। अच्छा जी आप बताइए आपके क्या पास आपके पास क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। मैं स्लाइड लाया हूँ जिसके अंदर मैंने ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स लेके आया हूँ जो बहुत स्ट्रेंज है, क्योंकि तीन टाइप्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होते हैं, एक जो बहुत आसान होते हैं, दूसरे जो मुश्किल होते हैं, और तीसरे जो बस स्ट्रेंज होते हैं, अनोखे होते हैं, है ना। चलिए जी पहली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। Strange world records. Dun 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 dun. Number one, farthest arrow shot using feet. तो सीख अंकल आजकल आर्चरी बहुत ही कॉमन हो गई है, बच्चे और बड़े दोनों इस पे इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है। तो ये देखने में तो इतनी आसान लगती है, बस एरो लिया और उसको बो को इस्तेमाल करके शूट कर दिया, तीर को कमान में फंसाया और कमान को छोड़ दिया और तीर वो गया जी। लेकिन ये असल में काफी मुश्किल है और इसके लिए काफी प्रिसिजन चाहिए होती है। इस रिकॉर्ड में उन्होंने क्या अनोखा किया कि पांव से जी ऑलराइट पैरों से तीर कमान को इस्तेमाल किया। जरा ये स्लाइड दोबारा दिखाइएगा, वो तस्वीर मैं जरा गौर से देखना चाह रहा हूँ। अरे वाकई ब्रिटनी वॉल्श ने 40 फीट 4.64 इंचेस दूर अपने पांव को इस्तेमाल करके बो शूट किया है। शूट किया है तीर को कमान से निकाला 40 फीट दूर तक ब्रिटनी वॉल्श ने जी। ये जबरदस्त वाला रिकॉर्ड है। ये आइडिया वैसे कैसे आया होगा? यू आर एब्सोल्युटली राइट कि आइडिया के भी थोड़े से नंबर मिलने चाहिए एक्स्ट्रा। थोड़े से नहीं आधे नंबर आइडिया के। आधे नंबर आइडिया के होते हैं। यू आर राइट। अच्छा जी आगे क्या है? तो सीक अंकल ये दूसरे वाला देख के आपने डरना नहीं है, क्योंकि जोल स्ट्रेसर ने 3500 टूथपिक्स अपनी स्किन के अंदर ही डाले, दाढ़ी के अंदर लगाए हैं। ओ मेरे खुदाया 3500 टूथपिक्स उन्होंने अपनी दाढ़ी के अंदर पिरोई हैं, पिरोई कहेंगे या उड़साई हैं या जोल स्ट्रेसर, मतलब इनको टाइम कितना लगा होगा, थोड़ी सी इस पे भी रिसर्च अजवत करनी थी। और इसके लिए प्रैक्टिस भी बहुत लगी होगी। प्रैक्टिस भी लगी होगी तो इस सारे के बाद खाना कैसे खाया होगा? इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। अच्छा जी ये क्या है? हाईएस्ट जंप ऑन अ पोगो स्टिक। आपने बच्चों को पोगो स्टिक इस्तेमाल करते हुए देखा होगा, और उसके अंदर जो हमारा प्रेशर होता है वो एक मेन चीज होती है, और जो पोगो स्टिक हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। Exactly. तो डिमित्री आर्सेनियव ने 11.15 फीट हाई जंप किया था। और ये तो मेरा ख्याल है मेरे से तो एक फुट का जंप ना हो इससे तो ये 11 फीट इज वेरी हाई एक्चुअली जी। अच्छा जी आगे क्या है? लॉन्गेस्ट हेयर ऑन अ टीनेजर। ये इस बच्ची ने 5.7 इंचेस अपने 5 feet 7 inches अपने बाल उगाए हैं। ओके नीलांशी पटेल 5 फुट लंबे बाल है उसके, मतलब खुद मेरा ख्याल है जितनी उसकी हाइट है उतने लंबे बाल नहीं है जैसे कि हमें तस्वीर में अंदाजा हो रहा है। 5 फुट इसको तो बिल्कुल मुझे वो याद आ रही है, क्या थी जी वो रुपुंजल, नहीं रुपुंजल थी ना जिसका जिसके लंबे बाल थे और फिर वो उसको एक विच जो है वो ले जाती है उसको एक महल के टावर में उसको कैद कर देती है, फिर उसकी वो चुटिया लंबी होती है जिसपे वो एक दिन शहजादा आता है ना। Exactly, तो मुझे वो कहानी वो फेरी टेल याद आ गई। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। अच्छा जी टॉलेस्ट हैट। ये इसके अंदर इसके आइडिया का कमाल है, क्योंकि उन्होंने ये सोचना ही इतना मुश्किल होगा क्योंकि इतना टाइम नहीं होता किसी के पास कि वो इस तरह की चीजें सोचे। इनके पास था वैसे जी। ऑडलियन ओजेर 15 feet 9 inches लंबा हैट। 15 feet लंबा हैट। वैसे मेरा एक सवाल है जी कि जब 15 feet 9 inches के बना रहे थे तो why not 17 feet 2 feet और कर लेते, मतलब ये क्या 15 feet 9 inches, ये कोई ये भी थोड़े सा सोचने की बात है। मेरे ख्याल है इन सब लोगों इसकी भी कोई रीजन होगी, इन सबको राइजिंग पाकिस्तान में बुलाना चाहिए। वो पूछना चाहिए भाईजान ये बाजी ये सीन क्या है, मतलब ये कैसे ख्याल आया आपको? अच्छा जी आगे क्या है? फास्टेस्ट टाइम टू ईट अ बाउल ऑफ पास्ता। ये लग तो बहुत आसान रहा होगा, लेकिन मिशेल लस्को ने 26.69 सेकंड्स में एक पूरा बाउल ऑफ पास्ता खत्म किया। 26 चलो 27 कर लो, 27 सेकंड्स में पूरा पास्ता की प्लेट उसका पूरा प्याला इसने खा लिया जी। भाई जबरदस्त, मतलब मैं तो ये कह सकता हूँ कि इतना जरूरी था ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना, मतलब
तारीख इंसानियत के अंदर ये नाम आना उनका बहुत जरूरी था। ये ऐसा काम था जो बड़े दुनिया सोच रही थी कि किया जाए, मतलब इसका बड़ा फायदा होगा। फाइनली इन्होंने कर दिया। अच्छा जी, ये क्या है? लार्जेस्ट हुला हूप स्पन। आपने हुला हूप तो देखा ही होगा, मैंने बड़ी कोशिश की है करने की रेगुलर साइज वाले को, लेकिन गेटी कहोयुवा ने 17 फीट 0.25 इंचेस के डायामीटर के हुला हूप को स्पिन किया। ये हुला हूप होता क्या भाई? ये एक रिंग होती है जिसको हमने अपने बेली के ऊपर स्पिन करना होता है। एग्जैक्टली, और इसके साथ बहुत से करतब भी होते हैं, बहुत से डांसेस भी होते हैं, और बड़े इसके कॉम्पिटिशन होते हैं। और मैंने देखा है कि हुला हूप बहुत से छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे होते हैं, 3-3, 4-4 साल के बच्चे इतनी महारत से उसको कर रहे होते हैं। और आपकी महारत का लेवल क्या है? वेरी लो। यस। अच्छा जी, लास्ट स्लाइड भी है हमारे पास, वो देखते हैं। ये क्या हो रहा है जी? मोस्ट कंसेक्यूटिव पिंकी पुलअप्स। वो क्या होता है जी? आपने देखे होंगे डंबल्स, उनको हाथ से उठाना इतना मुश्किल होता है, तो टाजियो गैवियोली ने 36 पिंकी पुलअप्स किए हैं उनके साथ। वो पिंकी पुलअप क्या होता है? डंबल्स को अपनी पिंकी से उठाना। अपनी छोटी चीची उंगली जिसे हम कहते हैं उससे उठाना डंबल्स को। जी रियली, आज ट्रेनर काशिफ आए ना, जरा उसको जरा इस सीन में डालते हैं। हम पूछते हैं उससे कि तुम कैसे ये किस तरह का करतब कर सकते हो, कि पिंकी पुलअप्स कर सकते हो कि नहीं। जब ये बड़े इंटरेस्टिंग, जैसे मैं कह रहा था, बड़े जरूरी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स थे जो इन्होंने बनाए। अजवत से अगर मैं कहूँ, अजवत, गिव विंग्स टू योर ड्रीम्स एंड फैंटेसी, मुझे बताओ ऐसा कौन सा यूनिक स्ट्रेंज वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा जो तुम बनाना चाहोगे? मुश्किल सवाल है। 5 सेकंड में 20 ग्लासेस ऑफ वाटर। पांच नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। वर्ल्ड रिकॉर्ड इसी तरह ही बनते हैं। ये भी बात सही है, वैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड इसी तरह अगर कोई सोचे तो फिर 36 कंसेक्यूटिव पिंकी पुलअप्स कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? नहीं, ये तो बात कैपेसिटी से ज्यादा टाइम ड्यूरेशन की। मेरे ख्याल पांच से थोड़ा सा सेकंड बढ़ा दो, यानी एक सेकंड में एक ग्लास पीने में, जाहिर है कितना भी आप तेज पिए, छोटे छोटे ग्लासेस, 3-4 सेकंड बहुत तेज भी आप पिए तो 4 सेकंड तो लगेंगे शायद एक ग्लास को पीने में। तो 20 ग्लासेस कुछ ट्राई करते हैं किसी दिन, यहाँ लाइव ना ट्राई करें, है ना? ठीक है, बस जी, अजवत को देखते हैं कि कितने ग्लासेस पीता है अजवत इन 10 सेकंड। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच अजवत। इंटरेस्टिंग सा मजे का सेगमेंट था। सुबह सुबह नई नई चीजें पता लगी, दुनिया क्या क्या कर रही है, और हम वो ये कि रूटीन गुजार रहे हैं। हैव अ ग्रेट डे, जीते रहो आप। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो रिबेका अब्दुल मेरे साथ होंगी और लेके आएंगी आपके लिए गर्मा गर्म मीठी मीठी 3 गुड न्यूज़।